कि मतलब समझिए कि जो आपने काम किया वो निंदनीय है, यही लिख दिया जाता है सेंसर, वो एक टाइप का पनिशमेंट है। विथहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, किसी का प्रमोशन एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रोका जा सकता है। रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल आर पार्ट ऑफ एनी पिकुनेरी लॉस कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। आपकी वजह से, अगर आपकी गलती से आपको कोई ऑर्डर दिया गया, उसको आपने फॉलो नहीं किया या ठीक से फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से जो लॉस हुआ रेलवे का, उसका पूरा या पार्शियल रिकवरी आपके पेमेंट से किया जा सकता है। विथ होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास आर पीटीओ आर बोथ, आपको जो पास मिलता है या जो पीटीओ मिलता है, इनको या तो पास या पीटीओ या दोनों को विथहोल्ड किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाई वन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, आपको लोअर स्टेज में डाला जा सकता है जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन, कम्युलेटिव नहीं रहेगा, मतलब जब वो पेनाल्टी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा और वो पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड दिस विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑन पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे, आपका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए और वो उसमें रहेगा कि आगे ये इसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा कि आपका इंक्रीमेंट इतने दिन के लिए रोका जाता है, उतने दिन आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जो आपको एनुअली इंक्रीमेंट मिलता है वो इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा। मेजर पेनाल्टी जो SF5 इशू करके जो मेजर पेनाल्टी इशू की जाती है, उसमें रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑन पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे, आपको लोअर स्टेज मतलब एक स्टेज या जितना भी स्टेज चाहे उतना नीचे लेके जाया जा सकता है विथ फर्दर कि आपको फर्दर रिस्टोर कब किया जाएगा। रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट आर सर्विस विथ आर विदाउट फर्दर डायरेक्शन, आपको लोअर पे में ले जाया जा सकता है, ग्रेड में लेके जाया जा सकता है, पोस्ट में लेके जाया जा सकता है, मतलब जैसे कि अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 ज्वाइन किया है, अगर आप कल को GE हो जाते हैं या GE के होने के बाद फिर SSC हो जाते हैं तो आपको वापस टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेजर पेनाल्टी चार्जशीट दे के लाया जा सकता है। कंपलसरी रिटायरमेंट, मतलब इसमें कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है। रिमूव फ्रॉम सर्विस विच शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। रिमूव फ्रॉम सर्विस में यह है कि अगर किसी को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर कहीं नौकरी नहीं कर सकता या रेलवे में फिर से नौकरी नहीं कर सकता। रेलवे में फिर से नौकरी करने का मतलब यह है कि कोई भी पनिशमेंट इशू किया जाता है तो उसका एक अपीलिंग अथॉरिटी रहता है। जैसे लोअर कोर्ट किसी को कोई पनिशमेंट देता है तो आदमी हायर कोर्ट में जाता है, वैसे यहाँ भी है कि जो भी आपको कोई भी पनिशमेंट दिया जाएगा उसके लिए उसके ऊपर वाले को आप अपील कर सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि आप किसको अपील कर सकते हैं और कितने टाइम में अपील कर सकते हैं। उस पीरियड में अगर आपको अपील करना है तो उस अथॉरिटी को उस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपील करना पड़ेगा। अब जब तक वो अपील पेंडिंग है तब तक वो पेनाल्टी इम्पोज नहीं होगी।
रिमूव फ्रॉम सर्विस में यह है कि लोग मतलब अपील करते हैं, रेलवे में भी अपील कर सक मतलब रेलवे में की नौकरी के लिए फिर से अपील कर सकते हैं कि मुझसे फिर से मुझे नौकरी में रख लिया जाए, या आप बाहर भी अगर रेलवे में नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो बाहर भी अगर आपको नौकरी मिल रही है तो ये पनिशमेंट में कि आपको रेलवे ने नौकरी से निकाल दिया, बाहर नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाहर आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, विच शैल ऑर्डरली बी ए डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी को रेलवे ने सर्विस से डिसमिस कर दिया तो उसके लिए अब वो किसी भी गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रेलवे नौकरी उसको नहीं मिलेगी, मतलब उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब अब नहीं मिलेगा। अपील्स रहती हैं, किसी को कोई भी पनिशमेंट दिया जाता है उसके अगेंस्ट आप हायर अथॉरिटी को आप अपील कर सकते हैं, उसमें लिखा रहता है कि आप इसके बाद में किसको अपील कर सकते हैं। चार्जशीट देने के लिए यह है कि जो भी चार्जशीट देगा वो आपसे 3 ग्रेड ऊपर रहेगा, मतलब अगर आप टेक्नीशियन 3 हैं तो आपको 3, 2, 1 MCM आपको JEE आपके मतलब चार्जशीट के लिए रेकमेंड दे नहीं सकता है, लेकिन रेकमेंड कर सकता है आपका डिपो इंचार्ज जो है उसको आपको चार्जशीट दे सकता है, आपका जो SSC इंचार्ज है वो आपको चार्जशीट क्योंकि डिपो लेवल पे नॉमिनेट कर दिया जाता है कि मतलब उनको ग्रेड तो उतना है लेकिन जो नॉमिनेट कर दिया जाता है वही चार्जशीट देता है, तो आपको कोई भी डिपो इंचार्ज आपको चार्जशीट दे सकता है। पास रूल्स जो हैं ये आपको जैसे बताया कि मतलब ग्रेड 3 आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहेंगे, आपको सेकंड क्लास का पास दिया जाएगा और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पास मिलता है कि जो कि फ्री रहता है, PTO मिलता है जिस पे कि आपको 33% पेमेंट करना पड़ता है। पास का मतलब कि एक आपको एक अथॉरिटी दी जाती है कि जिससे कि आप ट्रेवल कर सकते हैं, उस पे आपको जो पास लेना रहेगा आप कहीं से कहीं का ले सकते हैं लेकिन वो स्टेट रूट पे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब आपको अगर बॉम्बे से गोरखपुर जाना है तो आप लिखिए कि मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से फिर गोरखपुर जाऊंगा, जबकि रास्ता ये भी आप दिल्ली जाके गोरखपुर जा सकते हैं लेकिन वो शॉर्टेस्ट नहीं है, या आप बॉम्बे से लिखिए कि मैं ये कन्याकुमारी जाऊंगा फिर कन्याकुमारी से गोरखपुर जाऊंगा या बिहार जाऊंगा या कहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उस रूट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आपका जो डेस्टिनेशन है और आपका जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है उसका जो शॉर्टेस्ट रूट है उस पे उसी रूट का ही आपको पास मिलेगा और उसी रूट का आपको PTO मिलेगा। अभी तो फिर मतलब पेपर पास मिल रहा है, शायद 1-2 महीना मिलेगा, इसके बाद में पेपर पास बंद हो जाएगा और सभी को डिजिटल पास मिलेगा। डिजिटल पास से आप ये है कि आपको काउंटर पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन कराने के लिए, आप ऑनलाइन बैठ के रिजर्वेशन कर सकते हैं, काउंटर पे भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी, क्योंकि पहले वाला जो पेपर पास था उस पे ऑनलाइन आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते थे, इसमें है कि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकेंगे। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जिसको PTO कहते हैं उस पे आपको डिस्काउंट मिलता है, मतलब 33% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। टाइप ऑफ पास, कितने टाइप के पास मिलते हैं, ड्यूटी पास, आप अगर कहीं भी ऑन ड्यूटी अगर आपको भेजा जाएगा तो आपको एक पास इशू किया जाएगा आपको वहां जाने और आने के लिए, वो पास आपके अकाउंट का नहीं रहेगा, वो रेलवे के अकाउंट का रहेगा, दिस इज कॉल्ड ड्यूटी पास। प्रिविलेज पास इंक्लूडिंग पासेज व्हाइल ऑन डेपुटेशन, प्रिविलेज पास जो कि आपका है
जो आपके अकाउंट से, जो बताया कि 5 साल तक आपको एक सेट मिलेगा, उसके बाद में साल में 3 सेट मिलेगा। स्कूल पास, जो बच्चा स्कूल आता जाता है, अगर वो लोकल में आता जाता है, मतलब जैसे अगर आप कल्याण रहते हैं, कोई आपका बच्चा है जो कि CST या दादर थाना घाटकोपर कहीं भी, अगर वो स्कूल कॉलेज आता है तो उसको स्कूल पास मिलता है डेली आने जाने के लिए। जैसे आपको एक पास, पता नहीं आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, एक ये फारसी मिलता है यहाँ पे आपको लोकल में ट्रेवल करने के लिए, वैसे ही उस बच्चे को जिस क्लास का आपको मिलेगा उसी क्लास का आपके बच्चे को मिलेगा स्कूल पास। अगर वो बाहर कहीं रहता, मतलब बाहर कहीं रहता है, कहीं हॉस्टल में रह के पढ़ता है, तो उसको मिलेगा स्कूल पास, लेकिन तब मिलेगा जब वो उसकी वहाँ कोई छुट्टियाँ होंगी, मतलब छुट्टियाँ हो गई स्कूल से घर आना है तो मिलेगा, फिर स्कूल से जाने के लिए मिलेगा, वो एक लिमिटेड रहेगा। वो पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, रिटायरमेंट के पास भी, रिटायरमेंट के बाद भी पास मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना मिलेगा, आपकी कितनी लेंथ की सर्विस हुई है। विडो पास, मतलब अगर किसी के कोई रेलवे में है, अगर उसकी डेथ हो जाती है बाई चांस, तो उसकी फैमिली को पास मिलता है स्पेशल पास। मेटल पासेज मिलते हैं, ड्यूटी मेटल पास, गोल्ड मेटल पास मिलता है जिसको चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये 3 लोगों को गोल्ड मेटल पास मिलता है। गोल्ड मेटल पास है लेकिन वो ड्यूटी पास है, मतलब वो ऑन ड्यूटी ही उसको यूज कर सकते हैं, ऑफ द ड्यूटी उसको यूज नहीं कर सकते। सिल्वर पास मिलता है ऑफिसर इन HAG एंड SAG। ब्रॉन्ज मिलता है ऑफिसर इन सिलेक्शन ग्रेड JAG, ऑल अदर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स वैलिड ऑन जोनल रेलवे, ये ब्रांच पास मिलता है। ड्यूटी कार्ड पास, ड्यूटी कार्ड पास एक तो होता है आपको या फारसी मिलता है, एक और होता है ड्यूटी कार्ड पास, उसकी वैलिडिटी अलग अलग रहती है। तो एडमिसिबल टू गस्टेड नॉन गस्टेड रेलवे सर्वेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड टू परफॉर्म ड्यूटीज फ्रिक्वेंटली, जैसे कि कोई आदमी है उसको बार बार कहीं आना जाना होता है, या कभी भी इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि अभी आप घर पे हैं, आप यहाँ चले जाइए, तो ऐसे टाइम पे आपको जो लोकल के लिए या फारसी मिलता है वो तो आपके घर से और आपका जो वर्किंग स्पॉट है वहाँ तक के लिए रहता है। वो आपको कार्ड पास जो दिया जाता है उस पे यह है कि जहाँ तक वैलिड है वो, वहाँ आप कहीं भी जा सकते हैं और वो हमेशा आपके पास में रहता है, आप ऑन ड्यूटी जा सकते हैं। वो सबको नहीं मिलता है, कुछ लोगों को जिनको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि हाँ इनको फ्रिक्वेंटली या कभी भी कहीं जाना पड़ सकता है, उनको एक अलग से ड्यूटी कार्ड पास दिया जाता है। ये चोडीज को मिलता है, खैर इन तो ऑफिसर्स को मिलता है, ग्रुप ए ग्रुप बी इंटाइटलमेंट एज पर प्रिविलेज। जो नॉन गेस्टेड को जो पास मिलता है उसका क्लास का इंटाइटलमेंट जो रहता है, जो आपको प्रिविलेज पास का इंटाइटलमेंट है वही क्लास का आपको मिलेगा। जैसे अगर कोई सेकंड क्लास का उनको प्रिविलेज पास मिलता है, तो आपको जो ड्यूटी कार्ड पास मिलेगा वो सेकंड क्लास का मिलेगा। किसी को अगर फर्स्ट क्लास का पास मिलता है तो उसको जो ड्यूटी कार्ड पास मिलेगा वो फर्स्ट क्लास का मिलेगा। प्रिविलेज पास फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी फर्स्ट ए क्लास 6 सेट पर ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन रेलवे आर टेकन ओवर चार्ज इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जो क्लास 1 क्लास 2 ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स रहते हैं उनको फर्स्ट क्लास ए क्लास का 6 सेट पास मिलता है साल भर में, जिस दिन से वो ज्वाइन करते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी
मतलब 1 साल तक आपको 1 सेट मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस इंटाइटल्ड फॉर 3 सेट पर ईयर। 5 साल के बाद में 3 सेट पास मिलेगा हर साल। फर्स्ट क्लास कब मिलता है? जब आपका ग्रेड पे 4200 एंड अबव हो जाएगा तब फर्स्ट क्लास का पास मिलता है। जब तक ग्रेड पे 4200 नहीं मिलता है तब तक सेकंड क्लास का मिलेगा। तो 4200 का ग्रेड अगर कोई टेक्नीशियन 3 है, जब वो टेक्नीशियन 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, 1 के बाद MCM आता है, तो MCM का ग्रेड पे जो है 4200 होता है, जो कि JEE के बराबर होता है, उसको फर्स्ट क्लास पास मिलने लगता है। ग्रेड पे 2800 सेकंड ए क्लास एलो, अगर कोई ग्रेड उसका ग्रेड पे 2800 हो गया तो उसको कहते हैं सेकंड ए क्लास एलो कलर का पास होता है, वो थर्ड एसी के लिए इंटाइटल रहता है, थर्ड एसी के लिए इंटाइटल होता है, थर्ड एसी में उसको रिजर्वेशन मिलेगा। ग्रेड पे 1900 एंड अबव बट बिलो 2800, अगर कोई ग्रेड ग्रेड पे 1900 और 2800 के बीच में है तो उसको 1 सेकंड ए प्लस मतलब वो थर्ड एसी का एक पास मिलेगा और 2 पास जो है सेकंड क्लास का मिलेगा। मतलब उसको एक पास जो है थर्ड एसी का मिलेगा और 2 पास जो है सेकंड क्लास का मिलेगा। ग्रेड पे 1800 1 सेट एलो इंटाइटल फॉर थर्ड एसी और 2 सेकंड क्लास विथ इफेक्टिव फ्रॉम 6/1/2011 से हो गया है। प्रिविलेज पासेज एडमिसिबल टू, जो प्रिविलेज पासेज आपको मिलते हैं उसमें कौन कौन रहेगा, मतलब उस पास के लिए कौन कौन इंटाइटल है, तो सेल्फ एंड फैमिली। सेल्फ आदमी सेल्फ हो गया, फैमिली में कौन कौन है, वाइफ हस्बैंड सन अप टू 21 ईयर, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सन इवन आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 ईयर्स तक मिलेगा, अगर 21 ईयर्स के बाद अगर वो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है तो उसका बोनाफाइड आपको देना पड़ेगा, तो 21 ईयर के बाद भी उसको मिलेगा। अनमैरिड डॉटर ऑफ एनी एज, कोई डॉटर है जो कि अनमैरिड है उसके लिए एज लिमिट नहीं है। विडो डॉटर या लीजेंडली डाइवर्स डॉटर, उसको भी प्रिविलेज पास मिलता है। विडो या डाइवोर्स मदर है, मदर है, अगर किसी की मदर विडो है मतलब फादर नहीं है या वो डाइवोर्स है तो मदर को भी पास मिलेगा, जी मतलब आपके डिपेंडेंट में उनका भी नाम आएगा। अनमैरिड विडो सिस्टर, ये अनमैरिड विडो सिस्टर कब आएंगी डिपेंडेंट में, अगर किसी के फादर नहीं है तभी आपकी फैमिली के अलावा बाकी लोग जो डिपेंडेंट हैं वो तभी आपके फैमिली मेंबर के मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट माने जाएंगे जब फादर नहीं है। ब्रदर अप टू 21 ईयर ऑफ एज आर बोनाफाइड स्टूडेंट इनवैलिड ब्रदर ऑफ एनी एज। ए मैक्सिमम ऑफ 2 डिपेंडेंट आर अलाउड इन ए पास एपीटी, जो डिपेंडेंट है मैक्सिमम ऑफ 2 डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन पास आर पीडीओ। इफ डिपेंडेंट आर इंक्लूडेड टोटल कैन नॉट एक्सीड 5 मेंबर्स, नो सीलिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। आपके फैमिली मेंबर के कोई सीलिंग नहीं है लेकिन डिपेंडेंट के लिए सीलिंग आ जाती है। प्रिविलेज पास की वैलिडिटी क्या रहती है? फुल हाफ सेट 5 कैलेंडर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। वो 5 कैलेंडर मंथ मतलब जिस डेट से इशू किया गया उस डेट से 5 महीने के लिए वो वैलिड रहता है।
ब्रेक जर्नी कैन बी अवेल्ड विदाउट एनी लिमिट। ब्रेक जर्नी जो रहती है उसके 5 ब्रेक जर्नी मिलती है, आप 5 जगह ब्रेक जर्नी लिख सकते हैं। कैन बी अवेल्ड एट द स्टेशन नॉट मेंशन्ड एज ब्रेक जर्नी बाय गेटिंग द पास इंडोर्स्ड बाय द SMTC। 5 ही मिलता है, 5 ब्रेक जर्नी से ज़्यादा नहीं मिलता है। डबल जर्नी इज नॉट अलाउड, 15% ऑफ शॉर्टेस्ट रूट टू बी काउंटर्ड व्हिच एवर इज लेस। आपको जो पास मिलता है एक बार जा करके वापस आने तक के लिए ही वो वैलिड रहता है, उसके बाद वो वैलिड नहीं माना जाता। मतलब एक बार आपने रिजर्वेशन किया, आप गए रिजर्वेशन करके वापस आए, पास आपका खत्म हो गया। आपको जो मेन रूट में आपको बता रहा था कि आपको मेन रूट पे चलना पड़ेगा, उसमें यह है कि मेन रूट से आप 15% ही, आप अगर मेन रूट से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, अगर वो 15% में आ जाता है जो आपका शॉर्टेस्ट मेन रूट है, आप अगर थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं तो वो उसके 15% का प्लस। जैसे अगर आप 100 किलोमीटर आपका शॉर्टेस्ट है तो 15 किलोमीटर थोड़ा सा आप रूट डाइवर्ट करते हैं, अगर वो 15 किलोमीटर और पड़ रहा है तो उस रूट का भी आपको मिल जाएगा। ट्रेवलिंग इन हायर क्लास, जैसे आपको स्लीपर का पास मिल रहा है उससे आप हायर क्लास में जाना चाहते हैं, या थर्ड एसी का पास मिलता है सेकंड एसी में जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है। कैन ट्रेवल ऑन पेमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ फेयर। आपको अगर सेकंड क्लास का पास मिलता है सेकंड क्लास स्लीपर का, आपको अगर थर्ड एसी में जाना है तो सेकंड क्लास स्लीपर और थर्ड एसी के फेयर का जो डिफरेंस है वो पे कर दीजिए, तो आप उसमें रिजर्वेशन करके ट्रेवल कर सकते हैं। ईयर एंडिंग पास होता है, ईयर एंडिंग मतलब कि आपका जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये पास के लिए कैलेंडर माना जाता है। अगर आपने कोई पास 31 दिसंबर तक नहीं लिया तो वो आपका उस साल का पास लैप्स मान लिया जाता है, लेकिन आप 31 दिसंबर तक पास ले सकते हैं। उसमें ये भी रहता है कि आपका जो ईयर एंडिंग का पास बचा हुआ है वो आप 31 दिसंबर के आगे 30 मतलब आगे भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है 30 मई तक ही रहेगी। जैसे आपका पिछले साल का पास बाकी है तो आप दूसरे साल ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये ईयर एंडिंग आपको उसी टाइम पे दिसंबर में ही या उसके बाद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो लिखना पड़ेगा आपको ईयर एंडिंग, और उसकी वैलिडिटी जो है आपका 30 मई तक ही रहेगा। आपको पास चाहे जब इशू हो लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है 30 मई तक रहता है। पास PTO पोस्ट रिटायरमेंट ओनली पास है, विडो पास ईयर एंडिंग कैन बी इशूड अप टू 30th मई। मतलब 30 मई तक आपको ईयर एंडिंग पास मिलेगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है वही कि अगर आपको 31 दिसंबर को इशू किया तो 31 दिसंबर को इशू किया गया पास तो आपका 30 मई तक वैलिड रहेगा, तो आपकी वैलिडिटी वहीं तक रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने मतलब 30 मई को पास लिया तो 5 महीने आगे वैलिड रहेगा। स्कूल पास, जैसा आपको बताया कि स्कूल पास अगर बच्चा स्कूल में किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ आने जाने के लिए पास मिलेगा, उसके लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, जो रिटायरमेंट के बाद पास मिलता है, ग्रुप सी के लिए है कि अगर वो 20 साल की नौकरी कर चुका है तो उसको 2 सेट पर ईयर मिलेगा। ग्रुप डी के लिए है कि अगर वो 20 ईयर्स की सर्विस मिनिमम किया है तो आपको साल में 1 सेट पास मिलेगा। मतलब ग्रुप सी के लिए 20 साल की नौकरी करने के बाद आपको 2 सेट, 1 साल में 2 सेट पास मिलेगा। Adopted child after retirement can be included in past post retirement pass. Post retirement complimentary pass can be sent by registered at railways cost to the residence of the retired railway employee when requested. मतलब वो by post ये भेजा जा सकता है, post retirement pass जो रहता है।
स्पेशल पासेज मिलते हैं कुछ, मतलब जैसे ऑन मेडिकल ग्राउंड पे, ये मेडिकल ग्राउंड पे कभी कभी अगर पास, मतलब अगर रेलवे भेजता है कि आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, उस टाइम पे मेडिकल ग्राउंड पे अलग से पास इशू होता है। ये थे आपके जनरल आइडियाज जो कि आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको पास, पीटीओ, लीव, छुट्टी, ये सब के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया बता दिया गया। अब इसके बाद आपको जो बताया जाएगा तो आपके जो टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल बताया जाएगा जो कि, मतलब ये तो एक जनरल आइडिया था, आपको सेफ्टी के बारे में बता दिया गया एक तो, कि आप रेलवे वर्किंग में आप क्या क्या सेफ्टी आप देखेंगे। ठीक है, कुछ आइडिया लगा लोगों को। हेलो, यस जी कुछ सर, यस सर, आइडिया लगा? यस सर, ये कल जो लड़का हाँ सर, आज ऑफिस किया, प्रॉपर आवाज सुनाई नहीं दिया कभी। अच्छा आवाज सुनाई नहीं दिया तो बीच में बोलने का ना कि आवाज नहीं सुनती, और क्या सबको नहीं सुनाई दिया क्या? हाँ नहीं सर, सुनाई दिया सर, सुनाई नहीं दिया सर, सर, सुनाई सुनाई दे दिया रहा सर, था, सुनाई दे रहा था सर। हाँ तो जिसको नहीं सुना, ये तुम कहाँ पे हो, ये मनोज तुम कहाँ हो, बीटीसी में हो या रूम पे हो अपने? हाँ कल्याण में सर, रूम पे। तो कल्याण में हो तुम्हारे यहाँ, फिर ये नेटवर्क नहीं होगा इसलिए नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को तो सुनाई दे रहा है। हाँ सर, सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, हाँ सर, सुनाई दे रहा था। अभी ठीक आ रहा है सर, उस समय नहीं आ रहा था, कट कट के। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं बीच के बीच में। ठीक है, सर एक क्वेश्चन पूछना था हाँ बोलो सर। वो बोलो मेरा एक बोलो। छोटा भाई है जो 19 साल का है, और मेरे पापा और मम्मी नहीं है, तो उसका डिपेंडेंट कार्ड बन सकता है सर? पापा मम्मी नहीं है वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे सर वो साथ गांव ही में रहता रहता है है वहां ना? पे। हाँ मिलेगा, लेकिन पोस्टिंग के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, थैंक पोस्टिंग के बाद मिलेगा, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। राशन कार्ड है? सर। राशन कार्ड तो नहीं बना है सर। कहाँ के रहने वाले हो, बिहार के? हाँ जी, तो राशन कार्ड, यहाँ वो प्रूफ मांगेगा ना कि आपका भाई आपके साथ रहता है, तो क्या प्रूफ दोगे? आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका भाई आपके साथ रहता है, अच्छा इसीलिए राशन कार्ड बनवा लो। यहाँ बम्बई में राशन कार्ड की बहुत वैल्यू है महाराष्ट्र में, ठीक है? अच्छा तो आपको ठीक है सर। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका भाई, वो मिलेगा उसको 21 ईयर्स एज तक मिलेगा, जब 21 साल का हो जाएगा तब नहीं मिलेगा, अदरवाइज तब तक आपको मिलेगा अच्छा उसे। ठीक है सर। और कोई सर आपके अभी लोग पास हम लोगों को सर क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा, मतलब पास में सर अभी हम लोगों को अभी आपको 5 साल तक एक सेकंड क्लास का एक पास मिलेगा साल भर में, और 3 और 4 पीटीओ मिलेंगे, वो सर थर्ड एसी का होगा क्या? ट्रेनिंग में मिलेगा सर? और ट्रेनिंग में भी मिलेगा, ट्रेनिंग में भी मिलेगा सेकंड क्लास का पास और पीटीओ, ट्रेनिंग में भी मिलेगा। ये सेकेंड सर वाला ये सर मैं स्लीपर जानना हुआ चाहते कि एसी हैं, हुआ सर? लेकिन ट्रेनिंग में किसी डिपेंडेंट को नहीं मिलेगा, आपको अकेले को मिलेगा। सर अभी जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ तो कुछ छूट मिलेगा ट्रेवलिंग में? घर जाने जाते हो तो छुट्टी लेके जाना पड़ेगा तुमको, नहीं सर, ट्रेवलिंग में कुछ छूट मिलेगा टिकट में? ट्रेवलिंग में तुम पास लेके जाओ तुमको छूट मिलेगा ना, पास या पीटीओ लेके जाओ, पास एसी का होता है ना? पास एक ही होता है, पीटीओ लेके जाओ, उस पे तुमको 33% पेमेंट करना पड़ेगा, 66% डिस्काउंट मिलेगा। पास जो होता है सर वो एसी का थर्ड क्लास का होता है ना? पास क्या चीज? जो होता है सर वो एसी थर्ड क्लास का होता है ना? नहीं, अभी सेकंड क्लास का मिलेगा।
सेकंड स्लीपर का मिलेगा, एसी का भी नहीं मिलता है सर का? अभी नहीं मिलेगा, पोस्टिंग के बाद मिलेगा। पोस्टिंग का, पोस्टिंग के बाद मिलेगा और वो भी साल में एक ही मिलेगा। नहीं वो भी शायद पोस्टिंग के बाद भी अभी तुमको पता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो साल में एक ही मिलता है। 5 साल तक तो तुमको एक ही पास मिलेगा ना सर। जो ईयर पास है वो 31 दिसंबर तक ही कटाना होगा, फिर एक पहले कटवा के रख लेना होगा, तब वो 30 मई तक वैलिड रहेगा सर। नहीं 31 दिसंबर सर, आर्ट्स के लिए ले सकते हैं क्या? 31 दिसंबर के बाद भी तुम ले सकते हो जो ईयर एंडिंग का पास है, लेकिन उसकी वैलिडिटी 30 मई तक ही रहेगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं सर कि 31 दिसंबर तक आपको ले लेना होगा, फिर बाद में ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं नहीं तुम अगर मतलब चाहो तो 1 मई को भी ले सकते हो, लेकिन 1 मई को लोगे तो 5 महीना वैलिडिटी नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब 30 मई तक वो 30 मई तक की ही वैलिडिटी रहेगी उसकी। सर हम कल क्लास नहीं कर पाएंगे, हॉस्पिटल गए हुए थे सर। कौन हॉस्पिटल गया था? सर हम गए थे, ये राकेश कुमार है ना, उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया सर, उसको बैंडेज वैंडेज लग गया है। हाँ वही मैं पूछने वाला, क्या हुआ उसके हाथ, क्या ये फ्रैक्चर है क्या उसको? हाँ सर, उसको पूरा ये लगा दिया गया है, देखिए सर क्या हुआ।